हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा भाई है सलमान, और जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था ऑल्टो K10 का, तो इसी का है वो ऑल्टो K10 और इसका रनिंग ज़्यादा है पेट्रोल में। तो बोल रहा था कि भैया डीजल इंजन में कोई कार खोज दीजिए, तो हम लोग डीजल इंजन में इंडिगो देख रहे थे और इंडिका विस्टा तो तुमको पसंद नहीं है, और फिगो देख रहे थे तो रांची में मुझे मिला नहीं और सर्च कर रहे थे। तो फिर देखो अभी हम लोग आए हुए हैं जमशेदपुर, और यहाँ जो डीलर पॉइंट पे आए हुए हैं अभी इसका भी आप लोगों को एड्रेस बताते हैं, और यहाँ चार गाड़ी लगी हुई है इसका भी आप लोगों को डिटेल बताते हैं, और इसके लिए कार चेक करने आए हैं फोर्ड फिगो जो मेरे सामने लगा हुआ है। तो आप लोगों को भी बताते हैं कि कैसे चेक करते हैं, क्या प्राइस है, नेगोशिएट कितना होगा, और ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं सबसे पहले जो डीलर पॉइंट पे आए हुए, कभी कभी क्या होता है ना, मुझे भी डायरेक्ट पार्टी का कार नहीं मिलता है। तो ये जो डीलर पॉइंट है BSK ऑटोमोबाइल है, यहाँ पे फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर मिलता है, और एड्रेस आप देख सकते हैं पार्टी है मेन रोड नियर शिव मंदिर जमशेदपुर, और ये कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको भी रिक्वायरमेंट होगा कार लेने का एक बार जरूर पूछ सकते हैं। और यहाँ कौन कौन सी कार है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रेनो का क्विड लगा हुआ है, और उसके बाद में ये फोर्ड फिगो है जिसको अभी देखने के लिए आए हुए हैं, और उसके बाद में देखिए एक वैगन आर लगी हुई है, और उसके आगे में लगा हुआ है SUV 500। तो पहले इसका फोर्ड फिगो चेक करते हैं सब कुछ। अभी जस्ट आए हैं तो सोचे आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बना दे कि किस तरीके से जाते हैं, चेक करते हैं, पेपर चेक करते हैं, कार का कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद लिया जाता है। तो इस वीडियो को आप एज ए इन्फॉर्मेशन के तौर पे ले सकते हैं। तो चलिए पहले फोर्ड फिगो का कंडीशन चेक करते हैं, और जो चार गाड़ी है चारों गाड़ी का आप लोगों को डिटेल और प्राइस भी बता देंगे। अगर आप लोगों को लेना होगा तो आप लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो फिलहाल चेक करते हैं इसमें क्या कुछ है। तो मेरे ख्याल से पैनल गैप है, और मेरे ख्याल से ये ओरिजिनल लग रहा है, पर ये जो है जो फ्रंट बम्पर है वो रिपेंट है। नंबर की बात करें तो जमशेदपुर नंबर है, अभी सब कुछ चेक करेंगे। ये तो ओरिजिनल पेंट लग रहा है, और यहाँ से देख सकते हैं इसका टायर का कंडीशन, तो ये अच्छा लग रहा है, और डोर वाइजर वगैरह लगा हुआ है, और डोर तो ठीक है। यहाँ भैया है वो बता रहे हैं कि जमशेदपुर मतलब एम्प्लॉय का गाड़ी है ना, इसको एम्प्लॉय का गाड़ी बता रहे हैं, लेकिन चेक तो अभी हम इसको अच्छे से करेंगे। और यहाँ पे टायर का कंडीशन ठीक है, कुछ दिन में चेंज करना होगा। और ये थोड़ा अगर देखे तो फ्रंट एंड रियर टचअप लग रहा है ना भैया, टचअप है आगे पीछे, बम्पर टचअप है ना, और ये अच्छा लग रहा है, रेड कलर में है। बाकी बाहर से चेक करने के बाद अंदर भी चेक करेंगे। यहाँ का टायर देखिए थोड़ा डाउन है पीछे का, कलर तो ठीक ही है, डोर भी ठीक है, ये है। तो ये फिगो है, चलिए आप भी चेक कर लीजिए, दो दो मास्टर आए हुए हैं। तो यहाँ पे जमाल भैया भी चेक किए चला करके, कैसा लगा गाड़ी? गाड़ी अच्छा है, और 2012 मॉडल है गाड़ी, सेकंड टॉप मॉडल गाड़ी, बहुत अच्छी है। क्या बोले,
बम्पर खाली पेंट है, बाकी ओरिजिनल। मतलब फ्रंट एंड रियर दोनों पेंट है, बाकी ओरिजिनल कलर में है। चला के भी देखा, आप ये देखिए कि इतना कॉन्टेक्ट होने के बावजूद रांची से आगे जमते थे, क्योंकि गाड़ी जल्दी मिलता नहीं यार। बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्रहण भाई गाड़ी दिलाइए, और डायरेक्ट पार्टी का मेरे पास ज्यादा रहता है, लेकिन आज फीगो नहीं है मेरे पास में। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमाल भैया। तो आप क्या काम से आए थे? हम तो आए थे एक दोस्त का बर्थडे का, बर्थडे आए थे, तो यही कुछ काम से आए थे। कार भी लेने को देख सकते, बोलेरो लगी हुई है उधर, देखिए भैया का बोलेरो लगा हुआ है। तो जाइए, फिर मिलते हैं आपसे रांची में। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे भैया है जो कि बाकी एसयूवी है और वैगन आर है, फीगो है, और क्विड का जो डिटेल है वो बताएंगे। तो भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कौशिक कुमार साहब। अच्छा, तो चलिए हम लोग इसका डिटेल जानते हैं, भैया बाकी डिटेल बताएंगे ही साथ में रह के। तो ये एक्सयूवी W8 वेरिएंट है। कंडीशन आप एक बार आप लोगों को दिखाते हैं साइड से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टायर का जो कंडीशन है वो काफी अच्छा लग रहा है। साइड प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, और जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि किसी जानकार को लेकर के आए और मैकेनिक वगैरह से चेक कराएं। ये ओवरऑल लुक है, अभी एक बार इंटीरियर भी दिखा देंगे। 05 नंबर है ये भी, और इस तरीके से साइड प्रोफाइल है, और टॉप मॉडल है एलॉय रिम के साथ में। टायर का कंडीशन तो काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टायर का कंडीशन काफी अच्छा है। चलिए बैक प्रोफाइल भी दिखा देते हैं, स्पेस है तो यहाँ से आप बैक प्रोफाइल भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को लेना होगा कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दे देंगे। खोल दीजिए भैया थोड़ा सा। और ये है इसका इंटीरियर, इंटीरियर तो काफी अच्छा लगता है, और एक्सयूवी 500 का रिक्वायरमेंट भी रहता है। बाकी ये देखिए सीट कवर वगैरह काफी अच्छा लगा हुआ है, और बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहा है। पर अभी एसयूवी हम लोग को लेना नहीं है, आप लोग में से किसी को लेना होगा तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा। तो भैया ये बताइए कि ये एसयूवी कौन से साल का है? 2012 दसवां महीने का गाड़ी। 2012 दसवां महीना का, और कितना चला हुआ है? 66,000 किलोमीटर। और ओनर? सेकेंड ओनर गाड़ी है। सेकेंड ओनर है। तो इसका क्या प्राइस रखे हैं आप? इसका 5,25,000। 5,25,000 कम हो जाएगा, नेगोशिएशन हो जाएगा। तो चलिए एसयूवी का डिटेल आप लोग जान गए, अब देखते हैं वैगन आर का डिटेल आप लोगों को बताते हैं। ये है वैगन आर, देख सकते हैं आप फ्रंट से, ये भी जमशेदपुर नंबर है, सिल्वर कलर है, इसका भी कंडीशन अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए आप टायर का कंडीशन अच्छा है, ओरिजिनल पेंट लग रहा है, बाकी चेक करना आप लोगों का काम है। ये भी टायर का कंडीशन अच्छा लग रहा है। एक बार बैक प्रोफाइल से दिखा देते हैं आप लोगों को, ये है इसका बैक प्रोफाइल। जमाल भैया भी लगे हुए हैं बिल्कुल कंडीशन चेक करने में, और यहाँ से थोड़ा इंटीरियर भी दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये है इसका इंटीरियर, सीट कवर काफी अच्छा लगा हुआ है, और ये है इसका सीट कवर। तो इंटीरियर आप लोग देख लिए, बाकी भैया से डिटेल पूछ के बताते हैं। तो ये वैगन आर कब का है भैया? 2008 का। 2008 का है, और कितना चला होगा? 72,000। और ओनर? ओनर सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर है। तो इसका क्या प्राइस रखे हैं इस वैगन आर का? 1,30,000। 1,30,000, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। इस फीगो का तो सारा डिटेल आप लोग देख लिए, इसी को देखने के लिए आए हैं। अच्छा लगेगा, प्राइस कम होगा तो इसी को खरीदेंगे। और ये कब का है? 12 का है। 2012 का। और कितना चला है? 50,000 के आसपास चला है। 50,000 के आसपास चला हुआ है। ऑनर इसका? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर है। तो इसका क्या आस्किंग प्राइस रखे हैं भैया? 2,20,000। 2,20,000 इसका आस्किंग प्राइस रखे हैं, जिसमें थोड़ा बहुत तो कम हो जाएगा। इंटीरियर वगैरह तो आप लोग देख ही लिए हैं, फिर भी एक बार दिखा देते हैं, डिटेल आप जान गए। इसका इंटीरियर अभी बंद है, और ड्राइव करके तो देख लिए हैं, काफी अच्छा है। अब आप लोगों को दिखाते हैं, ये रेनो क्विड है, इसका कंडीशन आप चेक कीजिए, टायर का कंडीशन अच्छा लग रहा है। ये साइड प्रोफाइल से है,
अच्छा है। एक बार आप पहले इंटीरियर ही देख ले। और ये है इसका इंटीरियर, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये है इसका इंटीरियर। और अगर आप लोगों को रेनो क्विड अच्छा लगता होगा तो आप इसको बिल्कुल खरीद सकते हैं। ये है इसका साइड प्रोफाइल, ये भी अच्छा लगता है देखने में, माइलेज भी अच्छा है, मेंटेनेंस भी कम है। बाकी भैया से डिटेल पूछते हैं। भैया ये रेनो क्विड कब का है? ये 2015 का। 2015 का कितना चला होगा? 65 के आसपास। 65 के आसपास चला होगा। और ओनर? ओनर है, थर्ड ओनर है। थर्ड ओनर है तो थोड़ा बहुत तो प्राइस कम लगेगा। तो कितना दाम रखे हैं इसका? तो 215,000 आस्किंग प्राइस है। 215,000 आस्किंग प्राइस है, बाकी कम हो जाएगा। चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये रेनो क्विड फीगो। सलमान जरा इधर आना। और वैगन आर और SUV 500, ठीक है। अब बाकी चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कौन सा डीलर पॉइंट है। यहाँ पे आप देख ले, कॉन्टेक्ट नंबर सब मिल जाएगा आप लोगों को। ये BSK ऑटोमोबाइल है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ है, एड्रेस वगैरह आप देख लीजिए। बाकी ये भैया से बात करते हैं अपना फीगो का प्राइस के लिए क्या होता है। और एक और फीगो देखे हैं व्हाइट कलर का, उसको जा करके देखते हैं। और फिर शाम होने से पहले यहाँ से निकलते हैं ताकि ज्यादा शाम नहीं होगा और रांची पहुँचेंगे। बोलिए, लेके जाएंगे भाई। हाँ, गाड़ी लेकर के जाएंगे।